सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका समय हो चुका है लेकिन वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुतलाकर बोलते हैं, कुछ बच्चे हकलाते हैं, कुछ बच्चे वर्ड्स तो बोल लेते हैं लेकिन सही से स्पीच क्लियर नहीं होती। ये सारी समस्याएं बोलने में कुछ बच्चों में देखने में आती हैं। कई पेरेंट्स हैं जो मेरी ओपीडी में आते हैं और अपने बच्चों की ये समस्याएं बताते हैं कि बच्चे बोल नहीं पा रहा है, स्पीच क्लियर नहीं है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने वाला हूं, एक ऐसी अचूक आयुर्वेदिक औषधि बताने वाला हूं जो कि बच्चों की स्पीच के लिए अमृत के समान होती है। यदि आप उस आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग अपने बच्चों के लिए करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की सीवियरिटी कितनी है, बच्चे को कितनी प्रॉब्लम है, तो 1 महीने से लेकर 4 महीने 6 महीने 7 महीने में आप देखेंगे कि बच्चे में बहुत शानदार परिणाम आपको मिलेंगे और बच्चे की स्पीच दिन बाय दिन क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों, कौन सी है वो आयुर्वेदिक औषधि और उसको कितनी मात्रा में सेवन करना है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि उसकी मात्रा कितना लेना है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप उस औषधि को ज्यादा मात्रा में यदि ले लेंगे तो उससे बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि वो औषधि हमारे आयुर्वेद में वमनोपग महाकषाय में रखी गई है। मींस उसकी ज्यादा मात्रा लेने से वॉमिटिंग होती है। नॉर्मल मात्रा यदि आप उसकी जो मात्रा कही गई है वो देते हैं तो उससे बच्चे को कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि आप उचित मात्रा आयुर्वेद के अनुसार, कही गई मात्रा के अनुसार उस बच्चे को देते हैं तो डेफिनेटली बच्चे की स्पीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो औषधि और कितनी मात्रा में उसको लेना है। दोस्तों, उस औषधि का नाम है वचा, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं वच, जिसका बॉटनिकल नेम है एकोरस कैलेमस। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों, वचा है ये, मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं, इसका कलर वचा का ऐसा होता है और इसको शहद के साथ में सेवन करना होता है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कि वचा कैसी होती है, उसका चूर्ण जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, कैसा उसका कलर होता है, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। कई बार आजकल दवाइयों में मिक्सर भी होता है, कई नकली चीज़ें भी आपको पकड़ा देते हैं वचा के नाम पे, जो लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वचा कैसी होती है, ये आप लोग उसका कलर देख सकते हैं, एकदम सूक्ष्म चूर्ण के रूप में होती है। ये देखिए कलर, आप उसका अच्छे से पहचान लीजिए ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसकी कितनी मात्रा आपको बच्चे को देनी है। तो यदि आपका बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल के बीच है तो आपको इसको 2 चुटकी खिलाना है। 2 चुटकी आप कैसे लेंगे दोस्तों, आप ये कटोरी लेंगे या जिस भी आप में आपकी दवाई है उसमें से ये आपकी हो गई 1 चुटकी और ऐसे ही आपकी ये हो गई 2 चुटकी। तो ये 2 चुटकी मात्रा लेना है। यदि आपका बच्चा 2 साल से 3 साल के बीच है तो आप 4 चुटकी ले सकते हैं, और 4 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए आपको 5 चुटकी मात्रा लेनी है। बस इससे ज्यादा मात्रा आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आपको इसको देना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि इसको हमेशा आपको क्या करना है, ये वचा लेकर, इस चूर्ण को लेकर आपको शहद लेना है, उस शहद में मिलाकर इसको पेस्ट बना लेना है अच्छे से। शहद थोड़ा ज्यादा मात्रा पे ले लें, शहद को बनाकर इसको पेस्ट बना ले, और पेस्ट बनाने के बाद में बच्चे की जीवा पर अपने हाथों को पहले अच्छे से आप साबुन से धो लीजिए। धोने के बाद में आपको क्या करना है, उसको ऐसे लेकर और बच्चे की जीभ पर आपको लगा देना है, बच्चे की जीभ पर चटा देना है आपको उसको, और उसके बाद में कम से कम 5-10 मिनट तक आप बिल्कुल पानी ना दें, कुछ भी ना दें बच्चे को। शहद थोड़ा ज्यादा मात्रा में लें क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर टाइप का होता है, तो उससे बच्चों को खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका आप क्या कर सकते हैं कि शहद को ज्यादा मात्रा में आपको लेना है, और दिन में ऐसा आपको 2 बार देना है, एक बार आपको सुबह देना है जब बच्चा सुबह सोकर उठता है, और एक बार देना है शाम के समय। ध्यान रखिए कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसके तुरंत बाद ना दें। इस दवाई को देने के बाद 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक आप बच्चे को ना तो कुछ खिलाएं और ना ही कुछ पिलाएं।
अगर अब जैसे कुछ कम्युनिटी होती है जहां पर कि शहद नहीं खाते हैं, या शहद को वो लोग बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते या खाते नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उस स्थिति में? या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शहद पसंद नहीं होता, वो मीठा खाते नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है कि उनको हम शहद की जगह घी का प्रयोग कर सकते हैं। सेम वही स्थिति लेनी है, सेम चूर्ण लेना है, उसमें थोड़ा सा घी को गुनगुना करना है। घी जो है वो गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध गाय का घी गुनगुना करके हल्का सा, और उसमें अपन अच्छे से उसको मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे, और बच्चे की जीभ पर आपको उसको चटा देना है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। दोस्तों यह जो औषधि है वचा औषधि आयुर्वेद में, इसको उसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि वच मतलब होता है वाणी के लिए, बोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिन भी बच्चों को बोलने की शिकायत है, जो अच्छे से बोल ही नहीं पाते, जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, या जिनको बोलने में लेट हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए यह औषधि अमृत के समान होती है। और इस औषधि को आप प्रतिदिन दीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हर्बल औषधि है, आप बिल्कुल प्रतिदिन दे सकते हैं, कंटिन्यूअस आप दे सकते हैं। और आप जब निरंतर आप इसको प्रतिदिन देते रहेंगे तो आपको आपको समझ में आने लगेगा कि आपके बच्चे की स्पीच जो है वो क्लियर होने लगेगी। तो इस औषधि को आप प्रतिदिन अपने बच्चों को सेवन कराएं, लेकिन जो मात्रा मैंने बताई है उस मात्रा से ज्यादा आप ना दें, क्योंकि यह औषधि अगर आप ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो बच्चे को उल्टी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको फिर ऐसा लगेगा कि अरे यार ये औषधि ठीक नहीं है। तो मात्रा आप उतना ही दें, और जो मात्रा मैंने बताई, अगर इसको देने से भी अभी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को वोमिटिंग जैसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो उसको आप डोज और कम कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आप प्रतिदिन दोस्तों अपने बच्चों को ये औषधि दें, और औषधि देने से इसके ट्रेमेंडस रिजल्ट आपके सामने मिलेंगे। फिर आप मुझे उसका बताइए। जय आयुर्वेद। We'll be right back.